हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एम स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशन का। दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पर आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसके द्वारा आपसे एक ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको शेयर मार्केट में काम करने की अपॉर्चुनिटी तो देते हैं, लेकिन उसके बदले वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं। लेकिन एम स्टॉक एक ऐसी कंपनी है जो कि आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेती है और आपको शेयर मार्केट में फ्री में अपॉर्चुनिटी देती है कोई ऑर्डर प्लेस करने की या फिर ट्रेडिंग करने की। वैसे मैं आपको बता दूं कि एम स्टॉक बोलता है कि हम आपको फ्री में अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम आपसे वन टाइम एक चार्ज लेंगे। तो एम स्टॉक ऐसा एप्लीकेशन जो आपसे पहले ही झटक लेता है, मतलब कि इसने अकाउंट ओपनिंग के लिए आपसे चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें काम करो या फिर नहीं करो, कंपनी का काम बन गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब इस एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में रियलिटी अपने सब्सक्राइबर को बताता हूँ, और जब मैं इसके बारे में रियलिटी बताता हूँ तो वीडियो एक डायरेक्शन ले लेता है नेगेटिव, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉजिटिव फिर हो ही नहीं पाता, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ज़्यादातर है ये वीडियो चला जाता है नेगेटिव साइड में। तो अगर आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अब दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने एम स्टॉक के बारे में बताया था, लेकिन कुछ हमारे पास एक्सपीरियंसेस और जुड़े उस वीडियो को बनाने के बाद। तो आज की इस वीडियो में और आपको कुछ एडवांस देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई मेरा तो टाइम फालतू चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर करूंगा ही, उससे पहले मैं आपको दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा। मतलब कि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट आए हैं और वो इंपॉर्टेंट कमेंट मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लव बॉय कमेंट करते हैं, एम स्टॉक चोर है, प्लान ले लो फिर भी 3 महीने बाद ₹116 चार्ज लेता है ऑपरेटिंग चार्ज बोलकर, और इसकी सर्विसेज खराब है, स्लो चलता है, हैंग होता है और बकवास है, टोटली वेस्ट है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, तो वो यहाँ पर सौम्यजीत राय ने किया है और ये भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि शुरुआत में कंपनी बोलती है कि ₹999 हमें दे दो तो आपका ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा, ₹999 और दे दो तो AMC फ्री हो जाएगा। 999 नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा है, तो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, लेकिन अभी यह चीट कर रहा है ऑपरेटिंग चार्ज बोलकर, हर 3 महीने बाद ₹118 ले लेता है। मतलब कि पहले जो 116 बोल रहे थे ना, वही है 118 बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल चार्ज है तो वो 117 और कुछ पॉइंट में होता है, ठीक है, तो वो कटता है। अब इसके बाद ये यहाँ पर बोलते हैं डे ट्रेड का सौदा काटना अगर आप भूल जाते हैं तो कंपनी को ₹70 का प्रॉफिट हो जाता है, चाहे भले आप लाइफ टाइम के लिए फ्री चार्ज वाला प्लान ले लो, ठीक है। मतलब कि मार्केट क्या है, 3:30 तक ओपन रहता है, तो 3:30 तक अगर आपने कोई शेयर ले रखा है इंट्राडे में, आप उसको नहीं बेचते हैं, तो कंपनी उसको ऑटोमेटिक बेचती है और इसके लिए कंपनी आपसे पेनल्टी के तौर पर ₹60 लेती है, ₹70 तो नहीं लेती है, लेकिन फिर भी शायद GST इंक्लूडेड हो तो उतना हो जाता हो। मन टू टच हैं, ये बोल रहे हैं मैं एम स्टॉक छोड़ रहा हूँ, ये बहुत हैंग होता है। तो दोस्तों, यही एक्सपीरियंस आपके काम के हैं, ठीक है। ऑफर देख के आप कंपनी में अपना अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन बात यह कि फिर बाद में यह हैंग होगा, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। अफजल अंसारी ने कमेंट किया है, कौन सी दुश्मनी है भाई, टोटल चार्ज फ्री है फिर भी प्रमोशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ना, अब देखो लोग ही तो कमेंट कर रहे हैं, अब इसका मैं प्रमोशन मतलब इसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोल देता, लेकिन लोग फिर ऐसे कमेंट करते, तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है। प्रमोशन तो करते रहेंगे, लेकिन बात ये कि रियलिटी भी तो बतानी चाहिए। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एम स्टॉक का क्या प्लान है, एम स्टॉक का ब्रोकरेज फ्री किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग का ही इस कंपनी में चार्ज लगता है, इसमें फ्री अकाउंट ओपनिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें अकाउंट ओपनिंग का चार्ज कुछ इस तरीके से लगता है, इसमें अकाउंट ओपनिंग के दो प्लान हैं। पहला ये है कि आप इसमें ₹149 पे करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप इसमें ₹149 पे करके अकाउंट ओपन करेंगे, तो इसका आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका कंपनी में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सिंपल बोल सकते हैं कि यह अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। और जब आप इसमें डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पर आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे 0। लेकिन अगर आप इंट्राडे
फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं उस टाइम पर आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिए जाएंगे 20 रुपये पर ऑर्डर। अब दोस्तों इसमें एक दूसरा प्लान है कि अगर आप 999 प्लस GST टोटल 1208 रुपये पे करके अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, करेंसी करो या फिर इंट्राडे करो, किसी भी सेगमेंट में करो तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज चार्ज फ्री हो जाएगा। अब बात आती है AMC चार्ज की, तो कंपनी यहाँ पर बोलती है कि अगर आप AMC चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री करवाना चाहते हैं तो आपको 999 रुपये प्लस GST और पे करना होगा, मतलब कि 1208 रुपये आपको दोबारा से देना है तो आपका लाइफ टाइम के लिए AMC चार्ज फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए वाला प्लान नहीं लेते हैं तो आपका जो AMC चार्ज है तो 120 रुपये पर क्वार्टर आपसे लिया जाएगा, तो ये आपका ईयरली हो जाता है लगभग 480 रुपये। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जब आप इसमें अकाउंट ओपन कर लेते हैं आपने देखा कि AMC चार्ज कुछ नहीं है तो इसमें एक चार्ज और लगता है और वो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे लिखा हुआ है, वो ये है कि इसमें आपको 99 रुपये प्लस GST, ठीक है, 18% GST तो लगभग आपका 17 रुपये कुछ पैसे हो जाता है, तो 117 रुपये आपको इसमें देना पड़ेगा, वो होगा ऑपरेटिंग चार्ज। तो लोगों का माइंड ना यहाँ से खिसक जाता है, लोग पहले जल्दी जल्दी में टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ते हैं AMC चार्ज, लेकिन इसमें एक दूसरा AMC चार्ज का ही नाम इन्होंने दूसरा दे दिया है, ऑपरेटिंग चार्ज। अब देखो दोस्तों AMC चार्ज का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब कि जिस आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उसमें मेंटेनेंस होता है तो उसके लिए कंपनी चार्ज ले रही है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि AMC चार्ज तो फ्री है लेकिन हम ऑपरेटिंग चार्ज ले रहे हैं, तो ऑपरेटिंग का चार्ज भी तो यही है कि हम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो हम उसका ले रहे हैं, ठीक है, तो AMC चार्ज का नाम ही इन्होंने बदल दिया है ऑपरेटिंग चार्ज। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी की सभी कंपनियों में सिर्फ AMC चार्ज है, ठीक है, और वो AMC चार्ज लेती हैं तो बता देती हैं, लेकिन ये क्या कर रही है कि AMC चार्ज का पैसा तो आपसे 1208 ले रही है लेकिन फिर भी चार्ज चला रही है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको MS स्टॉक का प्लान समझा दिया कि MS स्टॉक का ब्रोकरेज प्लान क्या है और फ्री प्लान क्या है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, शायद आप सहमत हो कि चलो हाँ मैंने प्लान देख लिया, अब मैं इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अब अपना सजेशन दे देता हूँ कि आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि आप इसमें अकाउंट ओपन करना क्यों चाहते हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें हमें ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पर आपसे जवाब रहेगा पहले ब्रोकरेज देने लायक हो जाओ, मतलब कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो इसमें आपको अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप पहले से किसी कंपनी में ट्रेडर हैं, ठीक है, आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट हो रहा है, आप पैसा शेयर मार्केट से कमा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको लॉन्ग टाइम तक करूँगा, तो आप MS स्टॉक की तरफ आ सकते हैं। वो भी जब आप MS स्टॉक में आए तो पहले 149 वाला प्लान सिलेक्ट करें और इसमें अपना अकाउंट ओपन करें। आप देखें कि इसमें ऑर्डर मतलब कि फास्ट हो रहा है, हैंगवेंग तो नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी सर्विसेज कैसी हैं, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है, ठीक है, जैसे कि पहले से आप किसी कंपनी में ऑर्डर प्लेस करते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी उधर की हैबिटें लग गई होंगी, क्योंकि आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया अगर वो फास्ट चलता होगा तो तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाता होगा, ठीक है, उसके इंटरफेस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें शो होती होंगी, उसका इंटरफेस सिंपल है, ठीक है, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती होंगी, वहाँ पर आपको न्यूज मिलती होंगी, ठीक है, तो आपको उन चीज़ों की आदत है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उधर ब्रोकरेज चार्ज दे भी रहे हैं तो आपको सर्विसेज ज़्यादा मिल रही हैं। आप इधर आके देखें कि इसकी सर्विसेज आपको किस तरीके से मिल रही हैं, जब आप कस्टमर केयर के लिए कॉल कर रहे हैं तो क्या आपका कॉल अटेंड हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको कस्टमर सर्विस की हेल्प लेनी होती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करूँगा, इसकी सर्विसेज मुझे पसंद आ रही हैं, तो फिर आप इसमें ब्रोकरेज भी फ्री करवा सकते हैं, AMC भी फ्री करवा सकते हैं, और जो चार्जेस लगते हैं उन चार्जेस को आप पे करते रहना और इसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा कुछ सजेशन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर दोस्तों आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।